बागों का शहर फजाई आलूदगी के नरगे में, स्मोक की वजह से एलर्जी और आंखों में जलन के मसाइल रिपोर्ट। नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीज भी बढ़ने लगे। दमा, फेफड़ों और दिल के मरीज अलग परेशान। स्मोक की रोकथाम के लिए इदारों ने भी कमर कस ली। सूबाई वजीर माहौलियात बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत इजलास, स्मोक की रोकथाम और दीगर इकदाम का जायजा लिया। स्मोक के तदारुक की मुहिम के लिए मजीद फंड्स देने की मंजूरी। महकमा माहौलियात तहफ्फुज और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजीज के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी मौखर। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में 75 सनती यूनिट्स की चेकिंग, खिलाफ वर्जी पर 8 यूनिट सील। 185 गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 108 के चलान और 25 गाड़ियां बंद की गईं। सॉलिड वेस्ट को आग लगाने पर 8 अफराद के खिलाफ इस्तगासे जमा। ट्रैफिक पुलिस की आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी नाके, धूल, मट्टी, रेत और दीगर गंदगी फैलाने पर चालान किए जा रहे हैं। रवा हफ्ते 1912 गाड़ियां शहर के मुख्तलिफ थानों में बंद की गईं। शहरी डेंगू के शिकंजे में लाहौर में 24 घंटों के दौरान 90 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 172 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। गुजरांवाला 24, रावलपिंडी और मुल्तान 16, फैसलाबाद में 11 शहरी बीमार। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 68 मरीज जेर इलाज। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि शहर में 931 मकामात से लार्वा मिलने पर 5000 से जायद पॉइंट्स पर डेंगू स्प्रे कराया गया। निगरान वजीर आला पंजाब ने 16 रोज़ा लाहौर है फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा के हमरा फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब अलहमरा हॉल में मुनक्किद हुई। 12 नवंबर तक रोज़ाना सुबह 10 बजे अलहमरा में तस्वीरी नुमाइश भी होगी। निगरान वजीर आला का जलानी पार्क का दौरा, लाहौर है फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के दस्तकारी और दीगर स्टॉल्स देखे। आरायशी और घरेलू इस्तेमाल की अशिया और मट्टी के बर्तनों में दिलचस्पी का इजहार। निगरान वजीर आला पंजाब ने मुजस्मा तराशी के फन का भी मुशाहिदा किया। फेस्टिवल में आए बच्चों ने वजीर आला मोहसिन नकवी के साथ सेल्फियाँ बनवाई। लेस्को का अमला बन गया नवाब। हर माह बिजली के बिल न मिलने से सार्फीन की जिंदगी आजाब। अमले ने ऑनलाइन बिल डालकर अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से ही हाथ खींच लिया। लोगों की कसीर तादाद लेस्को के बिलों की हार्ड कॉपी न मिलने पर परेशान। जराए के मुताबिक फजाइया हाउसिंग सोसाइटी फेज वन में कई माह से बिल्स की हार्ड कॉपी नहीं मिल रही। शहरी लेस्को की वेबसाइट से बिलों का प्रिंट निकाल कर जमा करवाने पर मजबूर। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सादिक संजरानी की 21 अक्टूबर को कामयाब जलसे और नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली पर मुबारकबाद। 16 माह की मखलूत हुकूमत की रियासत को बचाने के लिए खिदमात को भी सराहा। शहबाज शरीफ की चेयरमैन सेनेट के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने के सामने गजा मार्च करेगी। सिराजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज इसराइल के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मुश्किल वक्त में गजा के भाइयों के साथ खड़े हैं। कौम जाग रही है और आलम इस्लाम के हुक्मरान सो रहे हैं। इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीमें भी खामोश हैं। फ्लैटीज में वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। निगरान वजीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। शुरका से खिताब में मोहसिन नकवी बोले, तालीम और सेहत अवाम की बुनियादी ज़रूरियात हैं। हस्पताल में सहूलियात की कमी के जिम्मेदार डॉक्टर्स नहीं, हस्पतालों की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। हमें जितना भी वक्त मिला अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। एलडीए में करप्शन का बड़ा मामला सामने आ गया। एलडीए अदालतों का अमला
चालान और जुर्मानों के 12 अरब 7 करोड़ 80 लाख रुपए हजम कर गया। अदालतों ने गैर कानूनी तामीरात पर इमारतों के मालिकान को जुर्माने किए थे। DGLDA ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गंदम के इजरा की कीमतें क्या हो सकती हैं, लाहौर न्यूज सिफारिशात सामने ले आया। पंजाब में गंदम की फी मन इजराई कीमत 4200 से 4600 रुपए रखने की सिफारिश। सिंध हुकूमत की गंदम की फी मन रिलीज प्राइस 4400 से 4600 रुपए की सिफारिश। KP हुकूमत की फी मन इजराई कीमत 4650 से 4700 रुपए रखने की सिफारिश। महकमा खुराक ने गंदम की फी मन इजराई कीमत की समरी वज़ीर आला पंजाब को भेज दी। वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई गंदम की इजराई कीमत की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। हुकूमत का PIA को मालियाती बहरान से निकालने के लिए बड़ा फैसला। ECC ने PIA को 8 अरब रुपए के फंड्स देने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ दो तरफा माहदे पर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जारी 43 तरजीही मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन और तमीर व बहाली पर रिपोर्ट भी पेश। मोहसिन नकवी की जारी तरक्याती मंसूबों को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। IG पंजाब उस्मान अनवर ने 3 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। SP हेडक्वार्टर लाहौर अब्दुल्ला, SP इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन लाहौर तायुनात। हसन जावेद भट्टी को SP हेडक्वार्टर लाहौर लगा दिया गया। इखलाकुल्ला SP सिक्योरिटी लाहौर तायुनात। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में इंटर स्कूल नेशनल लेवल मुकाबलों का इनेकाद। एलाइड और रिफा स्कूल सिस्टम के तुलबा ने शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया। 112 तुलबा ने रीजनल लेवल में कामयाबी समेट कर नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई किया। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा में 10 लाख के कैश इनामात तकसीम किए गए। आबी जंगली हयात की बका और उनकी हिफाजत से मुतालिक आगाही। जलो पार्क में 15 रोज़ा विंटर फेस्टिवल का आगाज। सेक्रेटरी जंगलात वाइल्ड लाइफ मुदस्सर वहीद ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। सियाहों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स और बच्चों के लिए पपेट शो सजाया गया। महकमे जंगलात और फिशरीज के इश्तराक से फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद आवाम को सुस्ती तफरी फराहम करना था।